अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुहाना खातून है। मेरा नाम शाफिया खानम है। और मेरा नाम अफशान जुम है। और हम सब नौवीं जमात की तालिबे हैं। आज हम आपको उर्दू ज़बान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नियामतों से नवाजा है। इन नियामतों में से सबसे बेहतरीन नियामत ज़बान है, जिसके ज़रिए से इंसान अपने एहसासात, जज्बात और ख़यालात का इजहार कर सकता है। इसीलिए ज़बान की बहुत अहमियत होती है। हर शख्स ज़बान जब पहले पहल अपने माँ से ही सीखता है। इसीलिए कहा जाता है, माँ की गोद ही सबसे पहला मदरसा है, जिससे हर किसी की ज़हनी परवरिश होती है। दो या कई ज़बान के मिल जुलने से कभी कभी एक नई ज़बान पैदा होती है, लेकिन यह अमल दो चार साल तक नहीं बल्कि सदियों का है। उर्दू ज़बान की इब्तदाई भी इसी कायदे से ही बनी है। अरबी, फारसी और हिंदुस्तानी बोलियों के बाहमी ताल्लुक से इसका बुनियाद का काम हुआ। इसीलिए आज हम बड़े आसानी से उर्दू ज़बान पढ़ते, बोलते, सुनते और समझते हैं। उर्दू ज़बान हर मैदान में अपनी तहरीरी दिलकशी का सबूत देती आ रही है। ज़बान अदब के तारीखी के माहरीन ने उर्दू ज़बान का आगाज़ और इसके इब्तदाई तरक्की के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। ये एक तारीखी हकीकत है कि जब दोनों अफराद या मुख्तलिफ तहजीबात के लोग एक दूसरे से मुतारिफ़ न लगे तो ज़बानी तहजीबात और ज़बान की राह हमराही, ऐसे ही मिलजुल आपसी ताल्लुकात और कबूल के नतीजे में उर्दू की फ़िज़ाएँ हमराही। 1100 सदी ईस्वी में दो कौमों के अफगानियों और हिंद के बादशाहों के दरमियान बाहमी इख्तलाफात से उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ। जब मुसलमान हिंदुस्तान आए तो उनकी ज़बान अरबी, फारसी या तुर्की थी, लिहाजा वो बातचीत में ज़्यादातर अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से कौमी ज़बान संस्कृत, प्राकृत वगैरह ज़बानों से वाकिफ नहीं थे। इसीलिए वह हर मकसूद के वास्ते मिले जुल अल्फाज का इस्तेमाल करने लगे। उर्दू ज़बान की तारीख में एक दिलचस्पी बात यह भी है कि यह ज़बान पैदा तो यूँ ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में, लेकिन इसकी इब्तदाई तरकी जनूबी हिंद के इलाके तक में हुई। मौजूद महाराष्ट्र के शहर देवगिरी को दौलताबाद के नाम से तरकी दी। दौलताबाद हिंदुस्तान का पाया तख्त बन गया। लाखों लोगों ने दिल्ली से दौलताबाद हिजरत की, लेकिन चंद दिन बाद दौलताबाद दोबारा दिल्ली मुंतकिल हो गया। जज़ाकअल्लाह खैरन।